ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। सुबह सभी स्टूडेंट जो यूके स्टडी वीजा पर जाना चाहते हैं आज का हमारा शो जरूर देखें। खास तौर से बात करेंगे यूके स्पाउस वीजा के लास्ट चांस की, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो प्रेजेंटली यूके में स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं। सो आज के हमारे गेस्ट हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत सिंह कंवर। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीजा को लेके, वर्क वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो आगे शुरू होने वाला है अब 2024, क्योंकि 2023 की एडमिशन्स का जो सिलसिला है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बहुत कम एडमिशन्स हैं जो अब जनवरी या फेब इनटेक के लिए चल सकती हैं, और जो भी इनटेक अब एडमिशन्स चलेंगी वो फेब या मार्च या अप्रैल या मई इनटेक के लिए चलेंगी। मतलब जनवरी तो 100% क्लोज हो चुका है। अब इसके बीच में एक ऑप्शन आपके लिए है, अगर आप स्पाउस जाना चाहते हैं, विदाउट आईलेट्स जाना चाहते हैं और आपकी डिग्री इंग्लिश मीडियम में है, तो अभी भी बीपीपी यूनिवर्सिटीज अपनी एप्लीकेशंस ले रही है। उन्होंने एक नया इनटेक ओपन किया है 27 दिसंबर का, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसकी कुछ एप्लीकेशन जा सकती हैं क्योंकि लिमिटेड सीट्स के अंदर ही बच्चे यहाँ पर जा सकेंगे, तो वो एक ऑप्शन, एक गोल्डन चांस आपके लिए अवेलेबल है। दूसरी एक चीज़ जिसके लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो मैंने पिछले शोज में भी बताया था, दैट इज़ कि आप वो बच्चे जो विदाउट आईलेट्स जाना चाहते हैं, जिनका इंग्लिश वीक भी है, परसेंटेज भी ग्रेजुएशन के कम है, तो वो लेवल 7 के रूट के थ्रू जा सकते हैं। उनकी इनरोलमेंट होगी जनवरी इनटेक में, और उनका जो एक्चुअल इनटेक होगा जिसमें उनका कोर्स स्टार्ट होगा वो होगा सितंबर का। तो मतलब आपको केस जैन के अंदर अंदर तक रजिस्टर करना होगा, तभी आप सितंबर इनटेक के लिए जा सकोगे, मास्टर्स में जा सकोगे, विदाउट आईलेट्स जा सकोगे, विदाउट पीटी जा सकोगे, और कम आईलेट्स अपने परसेंटेज के साथ भी जा सकोगे। गैप भी 7-8 साल तक का एक्सेप्टेबल में रहेगा। इसके अंदर सेकंड बेनिफिट सबसे बड़ा होगा प्लस टू वाले स्टूडेंट्स को, जो प्लस टू वाले स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर हो सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 60% है, गैप की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन उनका जो आल्स उनके पास होना चाहिए 6 ओवरऑल 5.5 या पीटी का स्कोर होना चाहिए 59, और या फिर वो सीबीएसई के स्टूडेंट हों और उनका प्लस टू का इंग्लिश का स्कोर कम से कम 70 हो, 70 हो। अगर ये स्कोर्स आपके पास हैं तो आप इसमें इनरोल हो सकते हो। इनरोल होने के बाद आप भी सेप्टेम्बर इनटेक में जाओगे, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही रहेगा कि आप सीधा फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जाओगे, आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर नहीं करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं तो रफरी कोई 30 लाख रुपए के आसपास आपकी बचत हो जाती है, क्योंकि आपकी 2 साल की फीसिस ही बहुत कम हो जाती हैं, तो 2 साल पढ़ना ही नहीं है, 2 साल फीसिस नहीं है। प्लस टू वाला स्टूडेंट इनरोल होने के बाद सितंबर इनटेक में जब जाएगा वो सिर्फ 1 साल पढ़ेगा और उसके बाद अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीजा वो ले सकेगा। इसके लिए डिटेल्स के लिए आप टीम को मिल सकते हो। 2024 के अंदर अब स्पाउस एप्लीकेशंस नहीं जा सकेंगी, मतलब जिनके कोर्सेज, जिनकी क्लासेस जो जनवरी में स्टार्ट हो रही हैं वो नहीं जा सकेंगे, इसलिए बीपीपी ने 27 दिसंबर रखी है अपनी डेट। तो जनवरी वाले अपने स्पाउस को साथ नहीं ले जा सकते। बहुत लिमिटेड से कोर्सेज ओपन होने जा रहे हैं, बट वो रिसर्च रिलेटेड प्रोग्राम्स होंगे, गिनती की सीट्स उसमें होंगी, अभी उसके ऊपर कोई अनाउंसमेंट मैं ऑफिशियली नहीं कर सकता, बट वैसे केसेस में सिर्फ कोई कोई केसेस में स्पाउस जा सके, नहीं तो स्पाउस प्रैक्टिकली नहीं जा पाएगा। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या है स्पाउस एप्लीकेशन के पास, आपके पास ऑप्शन है टायर टू वीजा। तो मतलब आप टायर टू वीजा के जरिए यहां पर जा सकते हैं। अगर आप टायर टू वीजा लेना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड्स में अवेलेबल है, आपको जॉब सर्च करनी पड़ती हैं, इसके अंदर केयर वर्क के अंदर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, जो प्लस टू वाले हैं वो भी जा सकते हैं, और इसी तरह से हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में भी है, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर आप जा सकते हो। लेकिन आपके पास या तो डिग्री इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और या फिर आपके पास होना चाहिए यूके वीआई आईएलटीएस और पीटी का स्कोर, यूके वीआई आईएलटीएस का 5 बैंड और पीटी का
43 ईच। अगर ये स्कोर्स हैं तो 2024 आपके लिए है, आप निश्चिंत और बेफिक्र होकर टायर टू वीज़ा और स्टडी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। स्पाउस आप टायर टू पे जा सकेंगे निश्चिंत और बेफिक्र होकर। ब्रॉडवे टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर और भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं, और इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हमेशा हमारी कोशिश रहती है स्टडी वीजा से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आपके पास लेकर आए, इस तरीके की इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपके साथ शेयर करें जिससे आपका वीजा प्रोसेस में बेनिफिट हो सके। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाने दे सुपने नु देवेगा हकीकत दी उड़ान।